गुड इवनिंग दोस्तों, आइए देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के एक दो प्रश्नों को। फिर जैसे दिया आप लोग के सामने पहला प्रश्न, 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए बच्चों, इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे हम लोग, जो है कि मान लेते हैं, पहले मान लिए धन 100 है और आर बराबर दिया है कितना, 10%। 10% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज, 10% से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 33.1। और मिश्र धन कितना होगा, 133.1, जो कि बच्चों 3 वर्ष का 10% के हिसाब से ब्याज कितना गया, 33.1। अगर आप लोग को पता ना हो तो कमेंट करिएगा, मैं सिर्फ दर दिया हो तो टोटल 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है बच्चों, आइए देखिए, धन इसमें दिया है 100 बराबर कितना दिया है, 18,000। 18,000 100 का कितना, 180 गुना। तो हमसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना, सिर्फ ब्याज पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ब्याज में 180 का गुणा कर देते हैं 3 वर्ष के ब्याज में। इसका कितना आएगा, उनसठ दशमलव 58, इतना इसका 3 वर्ष का ब्याज आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह निकालते हैं। अगर हम लोग कई 10%, 8%, 15% अगर 3 वर्ष का ज्ञात कर लेते हैं, तो इसे में जब प्रश्न आएंगे एग्जाम में, तो हम लोग को ज़्यादा गुणा भाग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुरंत हम लोग निकाल लेंगे इसे। अब यहाँ हम लोग को मिश्र धन भी पूछा होता तो 180 के गुणा करते पता चल जाता। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे दिया है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह अपने 60 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, जैसे बोला है कि 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो ये पूछा है कि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, यही ना। तो इसका पूछा कि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर इस तरह का प्रश्न दिया हो दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि इसको 2^3, 8 को इस तरह भी लिख सकते हैं 2^3, और इस 3 का क्या करेंगे, इस 15 में गुणांक कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 में गुणांक करेंगे 3 का, तो 15 × 3 = 45, यही इसका आंसर होगा, जो कि 45 वर्षों में ये क्या होगा, अपने का 8 गुना हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।